नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राएंगल चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेसड एट ईच कॉर्नर सवाल हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ जो कि आपका सेंट्रॉयड लग रहा है uh, वो क्या होएगी ना बहुत ही सिंपल सवाल है क्लास uh, में इसको हम डिराइव करते ही हैं सो so, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये आपका uh, इस तरह से पॉइंट है कि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से दूरी बराबर है आर 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 इस पॉइंट ओ पे हमें बताना है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपका Q, Q और Q रखा हुआ है सो so यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आती है इसको हम कई बार डिराइव कर चुके हैं सो so इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिकॉज ये आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसका जोमेट्रिकल सेंटर है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी ना एक बार चेक भी कर लेते हैं क्यों आएगी पर इसका आंसर जीरो आपको पता होना चाहिए एक बार नेट में ये पूछा हुआ है आपसे अलाइन। सो right. so, इसी को अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सो so, इस इस चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी इस डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी इस डायरेक्शन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी इस डायरेक्शन में ड्यू टू सिमेट्री आपका ये तीनों एंगल 120 डिग्री है वन ट्वेंटी डिग्री है इसके जब आप कंपोनेंट लेंगे तो इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस हो गया आर जब इसके हम कंपोनेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे विल कैंसल ईच अदर तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो वुड बी द राइट आंसर